दोस्तों, मुंबई में पिछले कुछ घंटों की बरसात ने पूरी तरह से मुंबई को स्विमिंग पूल में बदल दिया। जी हां, कुर्ला, अंधेरी, घाटकों पर, दादर, वर्ली तमाम इलाकों में जबरदस्त बरसात हुई। कुछ ही घंटों के भीतर सड़कें ऐसा लग रहा था जैसे स्विमिंग पूल बन गई है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से पानी जमा हो गई है सड़कों पर। कहा जाता है कि बीएमसी हर साल तैयारी करती है मानसून के स्वागत के लिए, लेकिन ये क्या, कुछ घंटों के भीतर ही अगर मानसून ने ये हाल कर दिया है तो अभी तो पूरा मानसून बाकी है। तो क्या है बीएमसी की तैयारियां? क्या यही कि कुछ घंटों की बरसात में मुंबई एक बार फिर से डूब जाएगी? लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुंबई में अभी फिलहाल जो है मानसून ने तो दस्तक दी है, और ऐसे हालात में अगर इतनी जल्दी जल्दी पानी भरना शुरू होगा तो कैसे चलेगा? बता दें, सिर्फ अंधेरी दादर में ही नहीं, कई हिस्सों में पानी भरने की खबरें आ रही है। हम आपको कुछ तस्वीरें और दिखा देते हैं जहां पर आप देखेंगे किस प्रकार से लोग जो है अपनी बाइक को या फिर अपने ऑटो को लेकर निकल रहे हैं। देख सकते हैं सड़कों पर किस प्रकार से टायर डूबा हुआ है, इन गाड़ियों के इतना ज़्यादा पानी जो है जमा हो चुका है। कई जगहों पर मेन होल होते हैं जिसमें गिरने की संख्या जो संभावना है बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ी सावधानी भी बरतें। बरसात के दिनों में जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहाँ से मोटरसाइकिल अपनी बिल्कुल ना निकालें, या फिर आपकी ऑटो वगैरह, इससे खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए थोड़ी सावधान रहें।